हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पोकन एंड लर्निंग हब पे। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए रेडियंस पार्ट वन क्लास सिक्स का लेसन थ्री लता मंगेशकर द मेलोडी क्वीन, जो कि लता मंगेशकर जी का जीवनी है, लाइफ स्टोरी है, उसका हम लोग आज इंग्लिश टू हिंदी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है लता मंगेशकर द मेलोडी क्वीन। क्या है, हैव यू एवर हियर्ड एनी सॉन्ग संग बाय लता? क्या आपने कभी कोई ऐसा गीत सुना है जो लता के द्वारा गाया गया हो? व्हाट डू यू लाइक अबाउट हर वॉइस? उनके आवाज़ के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, आप ये गाना ज़रूर सुने होइएगा, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। नहीं, ये गीत सुनकर लोग सभी व्यक्ति की आंखें नम हो जाती है। तो आज हम लोग ये गीत जो है लता मंगेशकर जी के द्वारा गाया गया था, तो वही लता मंगेशकर जी के जीवन की जीवन गाथा आज हम इस स्टोरी के माध्यम से अध्ययन करेंगे। क्या, टीयर्स रोल्ड डाउन अनचेक्ड एंड नेहरू वेप्ट लाइक अ चाइल्ड टू हियर द पैट्रियोटिक सॉन्ग। क्या, टीयर्स ना आंसू, आँख से आंसू के गोले फूटने लगे, आंसू गिरने लगे, कब? नेहरू वेप्ट लाइक अ चाइल्ड, मतलब जब कभी गाना बजा तो नेहरू जी भी जो है एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे, आँख से आंसू लगातार गिरने लगे। इट वॉज सुन आफ्टर द चाइनीज एग्रेशन इन 1962। एग्रेशन का मतलब होता है आक्रमण, ये तब हुआ, ये चाइना जो हमारे भारत देश पर आक्रमण किया था 1962 में, उसके बाद जब हमारी लता मंगेशकर जी ने शहीदों की याद में जब ये गाना पेश किया, तो गाना बजते ही सभी लोगों की आंखें नम हो गई। लताज सॉन्ग इमोर्टलाइज्ड द हीरोइक डिड्स ऑफ आवर सोल्जर्स हु सेक्रीफाइस्ड देयर लिव्स फॉर द कंट्री। लता जी का सॉन्ग जो है ये इमोर्टलाइज, उन्होंने अमर कर दिया, मतलब उन शहीदों को, मेरे भारत देश के उन जवानों को जो अपने देश की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए शहीद हो गए, उनको लता मंगेशकर जी का गीत जो है क्या किया, अमर कर दिया। सिंस देन दिस सॉन्ग हैज बिकम द एपिटम ऑफ द पैट्रियोटिक सॉन्ग्स। सिंस देन दिस सॉन्ग हैज बिकम द एपिटम ऑफ द पैट्रियोटिक सॉन्ग। मतलब उसका क्या हुआ, ये गीत जो है सभी देशभक्ति गीतों में, एपिटम का मतलब होता है प्रतीक, सभी देशभक्ति गीतों में क्या हुआ, प्रतीक के रूप में उभरा, प्रतीक साबित हुआ। लता मंगेशकर द सिंगर ऑफ ए मेरे वतन इज निकनेम्ड स्वर सम्राज्ञी मेलोडी क्वीन। क्या है, लता मंगेशकर जो ये गाना गाई थी ए मेरे वतन की लोगों, उनको स्वर सम्राज्ञी की उपाधि प्रदान की गई, इंग्लिश में कहते हैं मेलोडी क्वीन एंड स्वर कोकिला, और उनको स्वर कोकिला भी कहा गया। शी वॉज बॉर्न ऑन 28 सितंबर 1929 इन अ महाराष्ट्रियन फैमिली रिसाइडिंग इन इंदौर इन मध्य प्रदेश। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को एक महाराष्ट्रियन फैमिली, महाराष्ट्रियन परिवार में हुआ, रिसाइडिंग इन इंदौर, रिसाइडिंग मतलब बसा हुआ, जो अभी इंदौर के मध्य प्रदेश में बसा हुआ था। हर फादर दीनानाथ मंगेशकर वाज हिमसेल्फ अ नोटेड क्लासिकल सिंगर एंड थिएटर आर्टिस्ट। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक क्लासिकल गायक थे और थिएटर कलाकार भी थे। हर मदर्स नेम वाज सुधामती, उनके माता का नाम सुधामती था। द फैमिलीज लास्ट नेम यूज टू बी हर्डिकर, बट दीनानाथ चेंज इन टू मंगेशकर इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई हिज फैमिली विथ हिज नेटिव टाउन मंगेशी इन गोवा। क्या, उनके परिवार का अंतिम नाम हर्डिकर था, क्या था, हर्डिकर, लेकिन उनके पिता दीनानाथ जी ने इसको चेंज कर मंगेशकर कर दिया। क्यों, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई हिज फैमिली विथ हिज नेटिव टाउन, मतलब वो अपने
शहर के बारे में बता रहे थे, जब हम गोवा के मंगेशी शहर के बारे में, किसके शहर के बारे में, मंगेशी शहर के बारे में बता रहे थे, और मंगेशी शहर के नाम से उन्होंने अपना अंतिम नाम क्या रखा था, मंगेशकर। लता आइडेंटिफाई हिज फैमिली, लता वॉज नेम्ड हृदया एट हर बर्थ, जन्म के समय लता का नाम हृदया दिया गया। लता वॉज नेम्ड हृदया एट हर बर्थ, बर्थ के समय क्या नाम दिया गया, हृदया। हर पेरेंट्स लेटर रीनेम्ड हर लता आफ्टर अ फीमेल कैरेक्टर लतिका इन वन ऑफ हर फादर्स प्लेज, उनका नाम लतिका पड़ा, सॉरी हर पेरेंट्स लेटर रीनेम्ड, उनको पुनः नाम दिया गया हर लता, मतलब लता नाम दिया गया कब, आफ्टर अ फीमेल कैरेक्टर लतिका इन वन ऑफ हर फादर्स, मतलब उसके पिताजी के साथ वो किसी चरित्र में लतिका नाम का एक चरित्र की थी जो कि बहुत अच्छा रहा, तो उससे प्रभावित होकर उनके पिताजी ने उनका नाम लता रखा। द फेमस सिंगर्स आशा भोसले एंड उषा मंगेशकर आर हर यंगर सिस्टर्स, मतलब प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले और उषा मंगेशकर ये क्या है, उनकी छोटी बहन है। हर यंगर ब्रदर हृदयनाथ इज अ वेल नोन म्यूजिक डायरेक्टर, उनके भाई, छोटे भाई हृदयनाथ जो है वो एक बहुत ही जाने माने संगीत निर्देशक हैं। मीना इज द यंगेस्ट सिस्टर, मीना उनकी सबसे छोटी बहन है। लता मंगेशकर हैज वोन सेवरल अवार्ड्स एंड ऑनर्स, लता मंगेशकर जो है बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए थे, इंक्लूडिंग पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, एनटीआर नेशनल अवार्ड, मतलब कौन कौन, पद्म भूषण अवार्ड, पद्म विभूषण अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, एनटीआर नेशनल अवार्ड, ये सभी पुरस्कार इनको मिला था। इन एडिशन टू 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, और साथ 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इनको मिला था। 12 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड, और 12 इनको बंगाल जो है बंगाल फिल्म एसोसिएशन से भी मिला था। एंड फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड, और उनको एक बार फिल्म फेयर अवार्ड जो होता है जिसमें बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के रूप में भी इनको मिला था। इन 1969 में सी मेड द अनयूजुअल गेस्चर ऑफ गिविंग अप द फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड इन ऑर्डर टू प्रमोट फ्रेश टैलेंट। सी मेड द अनयूजुअल गेस्चर ऑफ गिविंग अप द फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड इन ऑर्डर टू प्रमोट फ्रेश टैलेंट, जब उनको अनयूजुअल गेस्चर असाधारण संकेत के रूप में फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला, तो अपने आप एक बहुत ही अच्छे टैलेंट के साथ फिर से प्रस्तुत की। शी वॉज लेटर अवार्डेड फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 1993, क्या है उनको पुनः 1993 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। शी हैज़ ऑल्सो वन द हाइस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री, भारत रत्न, भारत जो है भारत के सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार भी प्राप्त की, भारत रत्न। आवर कंट्री इज प्राउड ऑफ हर एंड सी स्टैंड्स एज गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर आवर यंग बडिंग वोकलिस्ट, क्या है आज वो हमारे भारत के जितने भी नए गायक हैं, जवान गायक हैं, उन सभी के लिए एक अभिभावक के रूप में, एक प्राचार्य के रूप में गाइड करती हुई आ रही है। तो दोस्तों हमने इसमें देखा लता मंगेशकर के बारे में, नहीं लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था एक महाराष्ट्रियन फैमिली में जो कि अभी इंदौर मध्य प्रदेश में आकर बसा हुआ था। उनके पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। मंगेशकर इनका पिताजी का नाम क्यों लगता था, क्योंकि वो गोवा के मंगेशी शहर में रहते थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम मंगेशकर लगाना शुरू किया था। उनकी 2 बहनें थी, आशा भोसले और उषा मंगेशकर, उनको कई तरह के पुरस्कार भी मिले थे। ये सब से आपको क्वेश्चन होंगे बुक में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन होगा, उसको दबाना ना भूलें, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे और मैं भी आप लोगों के लिए इस तरह के लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहूं। आप पूरे यूट्यूब पे सर्च मार लेना,
इस तरह का हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको पर यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, क्योंकि जूनियर क्लास पर कोई ध्यान देते ही नहीं है। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना जूनियर क्लास से ही शुरू किया जाए। चलिए, आप लोगों का सहयोग रहेगा, आपका ये चैनल बहुत आगे तक जाएगा, बस सहयोग आप लोगों की आवश्यकता है। थैंक यू। आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर करने का प्रयास करें, नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कर दें सर इसका क्वेश्चन आंसर, मैं आपको कमेंट में डाल दूंगा, या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगा, या नहीं तो एक वीडियो ही बना दूंगा। थैंक यू।